जय हिंद साथियों, ये देखिए काशीराम विचार यात्रा का काफिला सोयो गाड़ी इस काफिले के अंतर्गत चलती हुई। ये है लखीमपुर खीरी जिले में है इस वक्त हम काशीराम विचार यात्रा का काफिला। इस जनसैलाब से लगता है कि बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता और ये लोगों की के अंदर उत्साह बता रहा है कि ये भी चाहते हैं कि बहन जी इस सबसे बड़े उत्तर प्रदेश सूबे की पांचवी बार मुख्यमंत्री बने। ये देखिए साहब काशीराम विचार यात्रा का काफिला। हमें इस वक्त लखीमपुर खीरी जिले में या आप जहां तक देख पा रहे हैं बहुत ही लंबा काफिला काशीराम विचार यात्रा का। राहुल भाई तेज चला लो। ये जो काशीराम विचार यात्रा चल रही है ये पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने का कार्य कर रही है साथियों। और जब उससे पहले जब काशीराम विचार यात्रा नहीं चली थी तो लोगों को लग रहा था कि बसपा कहीं नहीं है, लेकिन जब से काशीराम विचार यात्रा बसपा के विजरत का आगाज हुआ है लोगों को लगने लगा है कि काशीराम विचार यात्रा बसपा का विजरत ही बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाएगा। ये देखिए साथियों काशीराम विचार यात्रा बसपा का विजरत का काफिला। लोगों के अंदर जुनून है, जोश है, उत्साह है। ये चाहते हैं इस सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की सूबे की माननीय बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बने और इस देश इस सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म करने का काम करें। ये देखिए सम्मानित साथियों, ये भीड़ बयां कर रही है कि बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये काशीराम विचार यात्रा बसपा के विजरत का काफिला लखीमपुर खीरी के लोग ये बता देना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को कि माननीय बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये काशीराम विचार यात्रा के सहयोग माननीय जयप्रकाश साहब जी दिन रात संघर्ष कर रहे हैं कि बहन जी पांचवी बार इस सबसे बड़े उत्तर प्रदेश सूबे की मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश की सभी जनता ने मन बना लिया है कि बहन जी इस उत्तर प्रदेश को अपने हाथों में लें और इसे बेहतर बनाएं। जय हिंद सम्मानित साथियों, देखिए काशीराम विचार यात्रा काफिला माननीय जयप्रकाश साहब का स्वागत के लिए रुकी है ये। रही है वो बहना को मान रही है।